स्वागत है भाई आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल टारगेट स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान 700+ क्वेश्चन हैं आपके, डेली टॉप 10 क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। पार्ट 4 चल रहा है तो सभी लोग देखिएगा वीडियो को पूरा, 5 मिनट का वीडियो होगा तो पूरा जल्दी से देख लीजिएगा सभी लोग। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 9 जुलाई 1925, बी दिया गया है 16 फरवरी 1925, सी दिया गया है 15 अगस्त 1925 और डी दिया गया है 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड षड्यंत्र बताया पूछा गया है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भैया 9 अगस्त 1925। क्या हो जाएगा 9 अगस्त 1925, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया गया है 1194 ईस्वी, बी दिया गया है 1205, सी दिया गया है 1188 और डी दिया गया है 1199। चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है तो याद रखिएगा भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1194 में, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया 1529, बी दिया गया 1554, सी दिया गया 1527 और डी दिया गया 1524। तो बता दीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 1527 में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर, क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया, बताएगा। ऑप्शन ए दिया गया 1526, बी दिया गया 1526, सी दिया गया 1530 और डी दिया गया 1522। यानी कि बात करें अगर बाबर की तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1536, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया 1605, बी दिया गया 1627, सी दिया गया 1658 और डी दिया गया 1650। उत्तर प्रदेश का सामूगढ़ का युद्ध पूछा गया है आपसे तो याद रखिएगा सभी लोग ऑप्शन सी हो जाएगा 1658 में हुआ था, कब हुआ था 1658 में, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए दिया गया फतेहपुर सीकरी, बी दिया गया लखनऊ, सी दिया गया जौनपुर और डी दिया गया आगरा। यानी कि बुलंद दरवाजा पूछा गया है आपसे तो ऑप्शन ए हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। क्या हो जाएगा भैया फतेहपुर सीकरी ने अकबर ने बनवाया था, याद रखिएगा सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 27 नंबर, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है, बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया इलाहाबाद, बी दिया गया गोरखपुर, सी दिया गया कौशाम्बी और डी दिया गया सारनाथ। चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सारनाथ में। क्या हो जाएगा भैया ऑप्शन डी, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, दिया गया उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है। ऑप्शन ए दिया गया मौर्य काल, बी दिया गया गुप्त काल, सी दिया गया शुंग काल और डी दिया गया कुषाण काल, बताइएगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शुंग काल। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया है आगमगध कानपुर, बी दिया गया लखनऊ, सी दिया गया फतेहपुर सीकरी और डी दिया गया आगरा। आपसे पूछा गया था भैया मुगल कालीन लाल किला तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आगरा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आगरा, सभी लोग याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, दिया गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है, बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया कनिष्क, बी दिया गया स्कंदगुप्त, सी दिया गया अशोक और डी दिया गया बिंदुसार। पूछा गया है मथुरा में अशोक शासक का स्तंभ लेख पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक, सभी लोगों को याद रखना है। तो भाई ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन का, कितने भैया टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन
बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी लोग भाई वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।